श्रीमती सुनीता दकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। यूनियन बजट 2022-23 में जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन दिया है, और उसमें जो हमारा फाइनेंस बिल है इसमें 39 जो हैं अमेंडमेंट्स हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने एक अभिभाषण में कि कर प्रणाली जितनी सरल होगी अनुपालन सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा। और आप ये देखिए कि अपने बहुत पहले जो है चाणक्य ने भी जो है अपने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसमें कहा था कि कर हमें इस तरह से लेना चाहिए जिस तरह से मधुमक्खी जो है वो फूल से शहद लेती है। तो उसमें दोनों में किसी को नुकसान नहीं है, दोनों जो हैं वो बिल्कुल, वो भी अपना शहद जो है ले लेती है और फूल को भी किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और हमारे कराट जी का MOS साहब जो है, कि इन्होंने जिस तरीके से जो है वो कर की प्रणाली को सरल भी किया है और इसके साथ साथ जो है वो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें एक गरीब आदमी को अंत्योदय के माध्यम से उसको सब कुछ पहुंचे, उसका जो है लाइफ इजी हो जाए, उस सबके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि पहले कोई समय था कि जिसमें जो टैक्स पेयर है जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हुए डरता था, और आप ये देखिए कि अच्छे भले परिवार का जो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी जब ये मालूम पड़ता था कि असेसमेंट के लिए मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है तो वो अपने कपड़े पहले बदलता था, थोड़े फटा पुराना सा कुर्ता पजामा वगैरह पहनता था, चप्पलें ऐसी पहनता था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ये ना पता लग जाए कि मैं बहुत रिच हूं। लेकिन अब जो है उसमें स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि आयकर विभाग की जो मेन टैग लाइन है वो है कोष मूलो दंड। कोष मतलब धन, मूल रूप से शक्ति है, जो धन जो है वो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो धन है, और धन को किस तरह से एकत्रित किया जाए और उसके बाद किस तरह से आम जनता के लिए उसको लगाया जाए ये किसी भी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। और हमारा जो आज की तारीख में जो हमारा नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मन में ये भाव है कि हमें जो टैक्स कलेक्ट करना है वो भी बिल्कुल आराम से करना है और उसके बाद लोगों के अंदर किस तरह से उस चीज को फैलाना है इस चीज का भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं देख रही थी कि अभी यहाँ पर हमारी माननीय सांसद जो हैं शताब्दी जी और सुप्रिया जी, तो इतने प्यार से, इतने मैं कहूंगी कि इतने सौम्य तरीके से जो है वो थपकी मारती हैं कि जो है वो सामने वाला इंसान जो है वो ना रो सकता है ना हंस सकता है, बड़ा सभ्य उनका, बड़ा सौम्य तरीका है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको, वो हमेशा ही जो है अपने मन के गुबार को, अपनी मन की बात को बहुत ही सौम्य तरीके से रखती हैं। तो अगर उनको जो है चिंता है अपने राज्य की, तो क्यों नहीं वो वहां पर जिस तरह से हमारे निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल सरल स्वभाव में बताया कि किस किस राज्य में कितना कितना परसेंटेज जो है वो वैट का है, अगर उनको लगता है तो क्यों नहीं वो वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वहां पर उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वैट को क्यों नहीं कम करते हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या दूसरे को जो है कटघरे में खड़ा खड़ा करना तो बहुत आसान है, अपने पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जो जो अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हमारे आए हैं, जैसे उसमें सेक्शन 68 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं पहले पिछले की सरकारों में देखिए इस तरह की बातें, इतनी बातें हो चुकी हैं कि जो है हमको उनको दोहराना ही पड़ता है कि पहले कौन किससे, अपने ही किसी साथी से, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बहुत बड़ा उदाहरण जो है उनमें केसेस भी चल रहे हैं अगर आप इसको बारीकी से अगर आप सोचेंगे कि अपने ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट साथी से लोन लेकर और फिर उसी के इंडस्ट्री में उस लोन को जो है उस पैसे को लगा देना, इस तरह की बहुत सी पहले की सरकारों के अंदर हमने देखी हैं, बहुत से उदाहरण देखे हैं। तो हमारी सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई भी गोलमाल ना हो। तो आप ये देखिए कि 60% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर किसी ने कोई पैसा लिया है और उसके उसके पास कोई रीजनल देगा इस बात की, इस बात को जो है अप्रिशिएट करेगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे गरीब जो हैं, जनता जो है उनके खातों के अंदर सीधा पैसा पहुंच जाता है, क्योंकि उनके समय में ही, उनके ही जो है प्रधानमंत्री जो उस समय में पूर्व प्रधानमंत्री होते थे उन्होंने ये कहा था कि पैसा कितना ऊपर से चलता है और नीचे कितना पहुंचता है। तो ये अभी, और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैं फिर से जो है आदरणीय हमारी शताब्दी जी और हमारी सुप्रिया जी के बारे
में कहना चाहूंगी कि उन्होंने एलपीजी के बारे में बात की, सरकार की जो है वो एक योजना है, सरकार ने क्या किया उज्ज्वला योजना के तहत। सभापति महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा कि जिसके पास गैस का सिलेंडर ना हो और जिसके पास बर्नर ना हो। एक बार ये सिस्टम जिसके पास आ गया, अब आप देखिए कि सरकार की एक ऐसी योजना है कि जिसके तहत जो बायोमास गैसिफिकेशन है, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद वहां पर 20 ऐसी जगह पर देखे कि जहां पर पहली बार में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो गोबर का लगता है, उसके बाद जो है डेली सिर्फ 2 बास्केट जो है वो गोबर डालने से गैस इतना बढ़िया मिलता है सभापति महोदय कि अगर आप देखें तो हैरान हो जाएंगे कि इतना तो हमारा सिलेंडर से भी उसका फ्लेम नहीं आता जितना सिलेंडर का फ्लेम, जितना जो फ्लेम है उस गैस से आता है। तो क्यों नहीं ये अपने इलाके में जहां कहीं पर भी आप जब बर्नर मिल गए हैं तो वहां पर बायोमास के लिए, जो बायोमास की गैसिफिकेशन है उसके लिए क्या इन्होंने किया, मैं पूछना चाहती हूँ, जरा बताएं। मैंने अपने उसमें बताया कि एक गांव की बात कर रही हूं मैं सिर्फ, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है पूरे इलाके के अंदर फैले, क्योंकि इससे गांव भी साफ होगा और इसके साथ साथ उनको बिल्कुल फ्री में एक भी पैसा नहीं लगने वाला उसके अंदर, सब्सिडाइज सरकार की तरफ से, सभी जो उसके जो छोटी मोटी जो पाइप लगाने का सिस्टम है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो क्यों नहीं वो इस तरह से करते कि एलपीजी उनको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो। तो सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, उसी तरीके से ये मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया है, चाहे जनधन योजना का दिया है, चाहे मैंने उज्ज्वला योजना का दिया है, तो क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने 1% टीडीएस लगाया। उससे क्या होगा, उससे ट्रैकिंग होगी, जो भी टीडीएस जिसका 1% कट जाएगा ये पता लग जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर अंदर, पिछले 1-2 साल के अंदर अंदर 641% इन्वेस्टर्स जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बढ़े हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको किस तरह से कर्ब करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है वो इतनी दूरंदेशी है कि जरूर इसके बारे में कोई ना कोई बहुत बड़ी सोच लेकर वो इसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स, देखिए बहुत बार पहले क्या होता था कि इसमें सभापति महोदय कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रॉपर टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे आम छोटे जो हैं नागरिक हैं उनके लिए, उनको इतनी दिक्कत आती थी इसमें कि छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी, इंटरेस्ट भी लगता था, पेनल्टी भी लग जाती थी। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न के 3 साल के अंदर एक टाइम पीरियड दिया है, उसके अंदर अगर कोई भी गलती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक मनी एक्ट है, जो लोकपाल एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको ये सुविधा नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, जो टैक्स में बहुत बार अपील में चले जाते थे जबकि कोई ऐसा कोई उसके अंदर टेक्निकल इशू नहीं होता था, सिंपली अगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट अब जो है उसमें अपील में नहीं जाएगा, इस बात का भी प्रावधान जो है अब की बार के फाइनेंस बिल में रखा गया है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी होता है सभापति महोदय, तो उसमें क्या है कि जो कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे हैं वो मार्केट में एक कंपनी बनाकर और उसको वो उसको कंसोर्टियम करके बोलते हैं उसको, तो उसमें उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज 37% तक हो जाता था। सभापति महोदय, इस फाइनेंस बिल के अंदर जो है उसको कैप लगा दी है और अब 15% जो है इससे ज्यादा नहीं होगा, और एओपी के लिए 15% जो कि कैप लगाकर उसको अब इतना ही जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज जो है उसमें उसे लिया जाएगा। और फेसलेस टैक्स असेसमेंट की मैं बात करूं, हालांकि इसके अंदर शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी, दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सेक्शन 144B के अंदर अब जो अमेंडमेंट की है उसके अंदर इसकी ओवरहॉलिंग की है और इसके अंदर बहुत अब जो इजी हो जाएगा टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स पे करना, और जो पहले जो थोड़ी बहुत एक टीथिंग प्रॉब्लम होती है किसी भी नई स्कीम को लाने में, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने देखिए जो COVID-19 में जिस तरह का वातावरण चारों तरफ रहा और उसमें हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, तो इसके अंदर वो पेशेंट्स जिन्होंने जिनका पेमेंट जो है वो इसके लिए जो है COVID-19 में जो बीमारी उनको हुई उसकी वजह से जो उनको एक्सपेंसेस करने पड़े उसके अंदर सरकार की तरफ से जो है वो रिलीफ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर उनके परिवार में कोई डेथ होती है और 12 महीने के अंदर अंदर उनको जो पेमेंट मिलती है तो 10 लाख तक की कैप लगाकर
उसके ऊपर भी टैक्स रिलीफ जो है फाइनेंस बिल में सरकार की तरफ से दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। और एक मैं इसके साथ साथ सभापति महोदय ये कहना चाह रही थी कि ये सब चीजें जो है, जैसे कोष मूलो दंड की मैंने बात की, तो ये कहते हैं कि जो भी हम धन एकत्रित करते हैं गरीब के कल्याण के लिए, जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए, तो राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, बोलते हैं कि राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, इसलिए बिना डरे करें इसका सत्कार और बने देश के विकास में भागीदार। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हम बात करें, सभापति महोदय हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी अभी कल परसों जो बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब उन्होंने ये बात कही है, भरी सदन में ये बात कही है, और उनकी बात जो है हमेशा आपने देखा होगा कि अपनी बात पे पूरा उतरते हैं वो, कि 2024 दिसंबर तक जो है वो हमारा देश जो है अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जो रोड्स हैं हमारे, नेशनल हाईवेज जो हैं, आप देखिए कि, और आप ये देखिए कि जब भी कभी कोई बात होती है कि चाहे हम डिमांड फॉर ग्रांट्स नेशनल हाईवेज के ऊपर बात कर रहे थे, चाहे हम हेल्थ के ऊपर बात करें, चाहे हम जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर बात करें, सभी सांसद महोदय खड़े होकर उसी टाइम कहेंगे कि जी हमारे फलाना हाईवे चाहिए हमें, हमें फलानी, हमारा एयरपोर्ट लगा दीजिए हमारे वहां पे रेलवे का। ये सब आएगा कहां से, ये सब कहां से आएगा? इसके लिए जो धन एकत्रित करने की जो बात है, तो वो उसी के उसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं वो इस फाइनेंस बिल में है। और इसके साथ साथ आदरणीय सभापति महोदय मैं ये कहना चाहूंगी कि कंक्लूड करो जी, बस बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि पहले की सरकारों में जिस तरह से धन को एकत्रित करने की, खासकर ये मैं कहना चाहूंगी कि ब्लैक मनी जिस तरह से इकट्ठा कर करके बहुत से, और वो आज उस चीज को भुगत भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबको अपने किए का फल जो है वो भुगतना पड़ता है जी, उसमें फिर तिल मिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं अंत में सिर्फ ये बात कहकर समाप्त करूंगी कि अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो धन्यवाद, रोने की जरूरत नहीं होती है, अगर जिसने गलत किया है तो उसको गलत जो है उसका फल भुगतना भी पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय हमारी जो मंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस फाइनेंस बिल के लिए, और मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद, चेयर को भी धन्यवाद इतना समय देने के लिए। नेक्स्ट श्री पीवी मिथुन रेड्डी जी।